अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे। और अभी आज तो ईद है और अभी हम नमाज के लिए निकल रहे हैं। मैं तो फ्रेश हो चुका हूँ और यार लाइट भी चले गई, देखिए यार लगी जाए अभी। और अभी हम फ्रेश हो चुके हैं और अभी ईद के नमाज के लिए निकलते हैं। ये देखिए जाए नमाज ले ली। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़े और नमाज़ तो हो चुकी है। आप सबको भी ईद मुबारक यार। और यहाँ पर नमाज़ पढ़े हमने मुकुंद नगर में आलमीन ग्राउंड पर पढ़े अभी। दोस्तों अभी हम नमाज़ से आ चुके हैं अबू और मैं, और हमने यार ये कुर्ता पहना था मैंने और अबू ने ये उनका। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। हाँ आप सबको ईद मुबारक। और हरीश ने तो फ्रेश हो चुका है, नहा लिया इसने, लेकिन अभी इसकी ड्रेसिंग करना बाकी है। और देखिए अबू का मोबाइल जैसे आता है ना अपना, वही पहले पहले मोबाइल लेके बढ़ जाता है। बकरा लेकर आए बच्चे और इनको जमरट नहीं अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अब ये नाना आए हैं और जुबा करने के लिए अभी धार लगा रहे। हमारा आया है हबीबी बन के, देखे दोस्तों थे मेरा यहाँ पे रहता गली में ना, हमजा हमजा नाम है इसका भी मेरे जगह। ये देखो पेप्सी पी रहा, अरे पेप्सी पी रहा हूँ। अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बकरा काट रहे थे ना, तो मुझे देखना था और फिर छिट्टे उड़ते हैं ना खून के, इसलिए फिर मैंने चेंज कर लिया। और अभी हम खाना खाने के लिए बैठ गए, बहुत मज़ा आया देखे। लेकिन वीडियो नहीं बना सकता ना यार, वो ऐसे चलता नहीं है, इसलिए तो अभी आज खाने में बनाए खिचौड़ा दलीम दलीम। देखिए हरीश यहाँ पे बैठा अभी, और ये और अभी मैं इसके मजे लेता हूँ। हरीश नींबू ले रहा क्यों? हाँ मन भी रिश्ता नींबू और कौरमा दाल के लिए। अभी खाता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों आज दादा भी आए, देखिए खाना खा रहे हैं अभी। दादा मैं अबू और हरीश खा रहे हैं और अम्मी भी बैठे। और अभी चलो भाई भूख लग गई है ना हरीश? बहुत। तो अभी हमारा बकरा सुबह हो चुका है और ये देखिए हमने इसमें उसका गोश्त भी डाल दिया है। और अभी हम तकसीम करने के लिए जा रहे हैं रिश्तेदारों में। और हरीश यहाँ पर रुक रहा। हाँ नहीं तो यहाँ पे रुकना पापा, फिर जमेंगा नहीं तो और बोर हो जाएगा। और अभी अबू और मैं जा रहे हैं, चलते अभी यार चले। देखो इसके हरीश के भाई के अपने मस्ती चालू है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा तो सुबह हो चुका है और मैं उसका गोश्त भी तकसीम कर कर आ चुका हूँ। और याद तो बहुत आ रही है यार, लेकिन अभी जाने दो, कुर्बानी के लिए लिया था। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।